पूज्यपाद स्वामी विरचित इस टोपदेश ग्रंथ की चर्चा हमारी चल रही है विगत दिनों से। 43वें नंबर के श्लोक पे कल हमने चर्चा की थी कि जो व्यक्ति जहां पर निवास करता है वहीं पे रति करता है, और जहां रति करता है वह वहां से अन्यत्र नहीं जाता है। अब यहाँ पे 44वें नंबर का जो श्लोक है वो प्रारंभ होता है, प्रारंभ में ये बात पूछते हैं कि अन्यत्र नहीं जाता हुआ भाई कैसा होता है, माने अन्यत्र कहीं नहीं जाता है, अन्यत्र कहीं गमन नहीं होता है, इसका मतलब क्या है, माने उसकी कैसी दशा होती है, और उसका समाधान इस 44वें नंबर के श्लोक में यहाँ पे किया जा रहा है। देखिए, अन्यत्र नहीं प्रवर्तता हो तब वह ऐसा होता है। कैसा होता है, देखिए 44वां नंबर का श्लोक है, प्रश्न क्रमांक 105। अगच्छनस्तद् विशेषाणाम् अनभिज्ञश्च जायते, अज्ञातद् विशेषस्तु बद्धे तेनाभिमुच्यते। अगच्छनस तद विशेषाणाम, अगच्छनस अर्थात नहीं जाता हूं, जो पिछले श्लोक में हम चर्चा करते आए हैं कि रति नहीं है, जहां रति नहीं है तो वहां जाता भी नहीं है, तो नहीं जाता हुआ अगच्छनस तद विशेषाणाम कि उनके विशेषों में, किसके विशेषों में, किसके विशेषों में अब रति नहीं है, पहले अपने आप को शरीर रूप मानता था तो शरीर के विशेषों में रति होती थी, इस शरीर से संबंधित जो जो चीजें थी उन सब में अपना दिमाग लगाता था, उन सब में निवास करता था, लेकिन जब वहां पे रति नहीं है, जब वहां पे अब गमन नहीं है, तो किसके विशेषों में अब उसका मन नहीं है कि शरीर के विशेषों में। अगच्छनस तद विशेषाणाम कि नहीं जाता हुआ, कहाँ नहीं जाता हुआ कि शरीर के विशेषों में नहीं जाता हुआ, माने अभी शरीर की कैसी हालत है, किस अवस्था में है, अनुकूल कौन है, प्रतिकूल कौन है, अब इसमें दिमाग नहीं लगाता, माने दिमाग लगाना भी हो तो आत्मस्वरूप के लिए कौन घातक है और आत्म स्वरूप में कौन साधक है इसमें तो उपयोग लगाए, लेकिन इस शरीर में कौन अनुकूल है कौन प्रतिकूल है कि अब वहां पे उनका गमन नहीं, वो कमट का जीव वो पार्श्वनाथ स्वामी के लिए अनुकूल था या प्रतिकूल था, हम अपनी दृष्टि से देखते हैं
तो प्रतिकूल दिखाई देता है, बुरा दिखाई देता है, शत्रु दिखाई देता है, अरे लेकिन जिनके ऊपर उपसर्ग हुआ है उनसे जाकर तो पूछो कि वो शत्रु दिखाई देता है या नहीं दिखाई देता है। इसका अर्थ है अगच्छनस तद विशेषाणा, कि अब उनके विशेषों में उनका गमन नहीं है, कि अब उनके लिए कोई शत्रु मित्र नहीं है। कि राम को किसने बाहर निकाला, किसने जंगल की यात्रा पे भेजा, मानिए अब ऐसी एक एक चीज पे अब उसको घटित करना होगा। शब्द तो लिख दिया कि अगच्छनस तद विशेषाणा, कि अब उनके विशेषों में गमन नहीं करते, लेकिन उनके विशेषों में गमन नहीं करते इसका मतलब क्या, कि शरीर से संबंधित अब जो कुछ भी काम है उनमें उनका गमन नहीं, माने वो अपना उपयोग वो शरीर में खर्च नहीं करते, कि वो जो उपयोग है वो अपने आत्म साधना के लिए है, आत्म स्वरूप में स्थिर होने के लिए है, बाहर शरीर आदि के विशेषों में अपने उपयोग को उलझाते नहीं है। इसका अर्थ है अगच्छनस तद विशेषाणाम। और क्या होता है कि जब वे उनके विशेषों में अर्थात शरीर के विशेषों में नहीं जाते हैं तो अनभिज्ञश्च जायते, अनभिज्ञ रहते हैं शरीर में क्या हो रहा है उससे, अनभिज्ञ रहते हैं। पेज क्रमांक 105 44वें नंबर का श्लोक चल रहा है। देखिए, नहीं जाता हुआ अन्यत प्रवृत्ति नहीं करता योगी उनके विशेषों को, किसके विशेषों को, पांच इंद्री के विषय और एक शब्द में कहना चाहे तो शरीर से संबंधित सभी विशेषों में, अब शरीर से संबंधित कहने में वो पांचों इंद्रियों के विषय आ गए या नहीं आ, शरीर क्या है वो पांच इंद्रियों का ही तो समूह है, कि उसके विशेषों में अब अपने आप को नहीं उलझाते हैं। तो शरीर अर्थात देहादि के विशेषों का, सौंदर्य असौंदर्य आदि धर्मों का अनभिज्ञ रहता है। ये जो योगी जो योग परायण है वे क्या करते हैं कि वो पांच इंद्रिय के विषयों में, शरीर के विषय में अनभिज्ञ रहते हैं, माने अब जानकारी नहीं है, हो जाए तो भी ठीक, नहीं हो तो भी ठीक, लेकिन अपना उपयोग वो शरीर में नहीं लगाते हैं, अपना उपयोग तो आत्म कल्याण के लिए ही उनका समर्पित है, अनभिज्ञ रहता है, उनसे अनजान रहता है। और अज्ञात तद विशेष सौंदर्य असौंदर्य आदि विशेषों का अनजान होने से क्या फायदा होता है, बद्धेते ना विमुच्यते, कि बंधन को प्राप्त नहीं होता, और बंधन को प्राप्त नहीं होता तो क्या होता है, विमुच्यते माने विमुक्त होता है, मुक्ति को प्राप्त होता है, माने कर्मों से यदि मुक्त होना हो तो उसका उपाय क्या है, कि अपना निवास स्थान बदल ले। कि निवास स्थान का मतलब क्या, कि जहां हम रहते तो जहां हम रहते हैं तो जहां शरीर के साथ रहते हैं उसका नाम निवास स्थान है, कि अरे जहां अपना उपयोग हो वहां मैं हूं। यहाँ पे बैठे हैं स्वाध्याय सुन रहे हैं और उपयोग हमारा कहाँ पर है, वो घर गृहस्थी में है, तो हमारा निवास कहाँ पर है, कि मैं कहाँ, कि जहां मेरा उपयोग, तो अब उस उपयोग को उस निवास स्थान को बदलना हो, कि अनादि काल से हमारा उपयोग इस शरीर आदि में लगा हुआ है, इसी की संभाल में लगा हुआ है, इसी की अनुकूलताओं के संग्रह में और प्रतिकूलताओं को दूर करने में लगा हुआ है। पूरे जीवन को यदि संक्षिप्त में देखें तो क्या है,
कि जो शरीर के लिए अनुकूल है उनको इकट्ठा करना चाहते हैं, उनको अपने पास रखना चाहते हैं, और इस शरीर के लिए जो प्रतिकूल भासित होते हैं उनको दूर करना चाहते हैं। अब ऐसा करने के लिए कदाचित पाप करना पड़े तो पाप भी करता है, कषाय करनी पड़े तो कषाय भी करता है, वो पाप को भी भला जानता है, कषायों को भी भला जानता है। टोडरमल जी तो यहां तक लिखते हैं कि यदि आत्मदाह करके भी अपने इष्ट की सिद्धि होती दिखाई दे तो वो आत्मदाह भी करता है, लेकिन ये वास्तव में सुखी होने का उपाय है क्या? कि सुखी होने के उपाय नहीं है। यदि सुखी होना हो तो उसका उपाय क्या है? कि जहां अभी जाता था वहां जाना बंद कर दे। कहां जाता था? ये शरीर के पास जाता था, ये उपयोग वो शरीर में ही जमता था, उन्हीं के अनुकूल उन्हीं की संभाल में लगता था, तो वो शरीर के पास जाना बंद कर दे। तो बंद कर दे अर्थात क्या? कि जो उपयोग बाहर में था वो उपयोग उपयोग में ही स्थिर हो जाए, जो उपयोग बाहर में जाता था वो उपयोग वो उस ज्ञायक में ही स्थिर हो जाए। इसका अर्थ है अगच्छनस तद विशेषण, कि अब वो उपयोग बाहर नहीं जाता, और जब उपयोग बाहर नहीं जाता है तो उसके संबंध में अनभिज्ञ रहते हैं। मानिए शरीर सुंदर है या सुंदर है, तो मुनिराज को कोढ़ रोग हो गया तो क्या वो असुंदर हो गए? कि अरे शरीर की सुंदरता और असुंदरता पर तो उनका ध्यान ही नहीं है। माने रिद्धियां ऐसी प्रकट है कि वो 1 मिनट में कोढ़ रोग दूर हो जाए, लेकिन वो रोग को दूर करने का विकल्प है क्या? ये पहली बात। दूसरी बात कि अरे मैं रोग को दूर करने वाला हूं क्या? कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है, इसका पक्का निर्णय है या नहीं? मेरे करने से वो रोग दूर हो जाएगा? बहुत गंभीरता से विचार करने वाली बातें हैं कि अनभिज्ञ रहते हैं। क्यों अनभिज्ञ रहते हैं? ज्ञान नहीं होता इसलिए अनभिज्ञ रहते हैं, जानकारी नहीं हो पाती इसलिए अनभिज्ञ रहते हैं। अरे वस्तु तत्व का निर्णय है इसलिए वे अनभिज्ञ हो जाते हैं, कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है तो मैं उपयोग अपने शरीर में क्यों लगाऊं? माने इस निर्णय पूर्वक कि मैं इस शरीर का कर्ता धर्ता नहीं हूं, ये कोढ़ रोग हुआ है तो ये शरीर का परिणमन है, दूर होना होगा तो ये शरीर का परिणमन होगा, और नहीं होना होगा तो मैं कितने उपाय कर लूं, कितने प्रयास कर लूं कि वो रोग दूर हो जाए। तो इस वस्तु तत्व के निर्णय पूर्वक अब वो शरीर के प्रति अनभिज्ञ हो जाते हैं, कि अब मेरा क्या करना धरना है शरीर के प्रति। बात पकड़ में आ रही है? अनभिज्ञ का अर्थ अज्ञानी होते हो ऐसा नहीं, ज्ञान नहीं हो पाता हो ऐसा नहीं, जानते हुए भी नहीं जानते हैं इसका अर्थ है अनभिज्ञ होना। पिछले श्लोक में पढ़ के आए, बोलते हुए भी नहीं बोलते, माने वो कार्य करते हुए भी नहीं करते हैं, जानते हुए भी नहीं जानते हैं, इसका अर्थ है अनभिज्ञ होना। तो वे क्या करते हैं, किसको जानते हैं? कि जो जानने योग्य है उसको जानते हैं, और जो जानने योग्य नहीं है वो सारी बातें उनके ज्ञान का विषय है, लेकिन उनका उपयोग वहां पर नहीं। जैसे कोई व्यापारी हो तो व्यापारी का सारा उपयोग कहां पे स्थिर होता है? एकमात्र मुनाफे पे उसका उपयोग स्थिर होता है, तो बाकी सारी चीजें उसके जीवन में होती हैं या नहीं होती? वो सब कुछ होते हुए भी
सब कुछ ज्ञान का विषय बनते हुए भी वो उनको जानता नहीं, उनसे अनभिज्ञ रहता है। ये क्यों अनभिज्ञ रहता है? यदि अपना दिमाग, अपना उपयोग यदि बाकी की चीजों में लगाएगा तो फिर जो मूल प्रयोजन की बात है वो तो पीछे रह जाएगी। जैसे वो व्यापारी अपने प्रयोजन को नहीं भूलता है, किसी भी स्थिति में हो, प्रतिकूल से प्रतिकूल स्थितियां भी हो तो भी उसकी दृष्टि तो कहां पर रहती? वो जानता किसको है? तो वो मात्र जिसको जानने योग्य है उसको जानता है। ऐसे ही जो ज्ञानी धर्मात्मा है, जो योग परायण है, माने जिन्हें आत्मा से जुड़ने की कला आ गई है और उसमें श्रेष्ठता प्राप्त की है, तो ऐसे जो ज्ञानी जन है वो किसको जानते हैं? कि जो जानने योग्य है मात्र उसको ही जानते हैं। एक तरह से यहां पे हमें प्रेरणा भी दी कि हमें भी क्या करने योग्य है, कि अपना समय ये बाहर की चीजों में खर्च करने योग्य नहीं है, या अपना समय बहुत बहुमूल्य है और उसको बाहर में हम पंचिंद्रिय के विषयों में व्यर्थ कर दें तो ये मनुष्य भव की सार्थकता नहीं है। जितना समय हमें मिला है, जितना ज्ञान, जितना उपयोग हमें मिला है, वो किसके लिए मिला है? कि दूसरों का मूल्यांकन करने के लिए। वो क्या करते हैं, कैसे करते हैं, ये मूल्यांकन करने के लिए मिला है कि कितने रुपए पैसे हैं, कितने रुपए पैसे चले गए हैं, घर गृहस्थी में कौन मेरी आज्ञा मानता है, कौन मेरी आज्ञा नहीं मानता है। माने कैसे कैसे छोटी छोटी चीजों में हम अपने उपयोग को उलझा कर रखते हैं। लेकिन बहुत शांति से, गंभीरता से विचार किया जाए, हमारा कितना समय ये पर पदार्थों के विकल्पों में ही चला जाता है। एक छोटी सी बात को पकड़कर बैठ जाए तो वो छोटी सी बात वो कितने दिनों तक वो हमारे मन में चलती रहती है। वो बार 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 वही चीज वो विकल्प मन में आती रहती है। और जो जानने योग्य है वो तो पीछे छूट जाता है, और जो जानने योग्य नहीं है और जिसको जान करके कोई फल मिलने वाला नहीं है, माने जो फल हम चाहते हैं वो फल तो मिलने वाला नहीं है, और जो फल हम नहीं चाहते हैं वो मिलने वाला है, इसका अर्थ है कि कोई फल मिलने वाला नहीं है। तो उसमें हम अपने उपयोग को लगाए रहते हैं। जैसे वो गौच होती है ना, वो एक बार चिपक जाए तो फिर छूटती नहीं, मृत्यु की कीमत पर भी वो छूटती नहीं। किस पर चाकर चिपक जाती है? वो खून पर। अरे वो जो बेकार खून है, जो स्पर्श करने योग्य भी नहीं है, उस खून पे जाके चिपक जाती है, क्या मिलने वाला है उसे? कि ऐसे ही हमें शरीर और पंचेंद्रिय के विषयों से चिपके हुए है, और किस कीमत पर? कि हमने उस अतींद्रिय सुख को दाव पे लगा रखा है। अतीन्द्रिय सुख को साक्षात सिद्ध भगवान अनुभव करते हैं, माने हमने वो सिद्धों के जैसे सुख को दाव पे लगा दिया है। विचार तो करके देखें, तू पंचेंद्रिय के विषय भोगों के लिए हम कितने दुखों को उठाना चाहते हैं, और अनादि काल से आज तक उन दुखों को ही तो उठाते आए हैं। हमारे विकल्प करने से क्या होता है? आप दिन रात संकल्प विकल्प करें, उस एक विकल्प करने से हो क्या जाता है? बाहर में परिणमन होना होगा तो आपको एक विकल्प करने की आवश्यकता नहीं होगी, और बाहर परिणमन नहीं होना होगा तो आप हजारों विकल्प कर ले, दिन रात विकल्प कर ले, लेकिन हमारे विकल्प करने मात्र से क्या बाहर में परिणमन हो जाए? तो इसलिए ज्ञानी जन अनभिज्ञ हो जाते,
इसलिए अब वे विकल्प नहीं करते हैं। क्यों विकल्प करना, किस बात का विकल्प करना, क्या मेरे विकल्प करने मात्र से कोई कार्य हो जाएगा क्या? कि जब मेरे विकल्प करने से कोई कार्य होने वाला नहीं है तो मैं अपना उपयोग वहां पर लगाऊं। इसलिए अगच्छन तद विशेषाणाम अनभिज्ञस्य जायते, कि इसीलिए वो शरीर के विषयों में नहीं जाते हुए उनसे अनभिज्ञ हो जाते हैं। और जब अनभिज्ञ होते हैं तो क्या होता है, बद्धेते ना विमुच्यते, कि कर्मों से बंधन नहीं होता है और विमुक्त हो जाते हैं। कि आहार लेने जाते हैं, आहार चर्या होती है तो वहां पे उन्हें कर्मों का बंधन नहीं होता हो। विहार करते हैं, गमन करते हैं तो कर्मों का बंधन नहीं होता हो। अरे विहार करती हुई भी यद्यपि वे पांच हिंसा के महात्यागी हैं, माने संपूर्ण हिंसा को उन्होंने त्याग किया है, लेकिन फिर भी गमन करते हुए जीवों की हिंसा होती है या नहीं होती? हिंसा तो होती, माने वो सारे कार्य करने में भी हिंसा है, लेकिन फिर भी क्या लिखा है यहाँ पे, बद्धेते ना, क्यों बंधन को प्राप्त नहीं होते हैं बल्कि विमुक्त होते हैं, कर्मों से मुक्त होते हैं। ठीक कैसे संभव है, क्योंकि उनका उपयोग वो बाहर पंचेंद्रिय के विषयों में नहीं है, उनका उपयोग वो आत्म स्वरूप में स्थित है, इसलिए वे बंधन को प्राप्त नहीं होते। बाहर से देखने में तो चर्या एक जैसी है, लेकिन एक जैसी क्रिया होने पर भी एक जीव बंधन को प्राप्त होता है और एक बंधन को प्राप्त नहीं होता है। तो उसका कारण क्या, टोडरमल जी लिखते हैं, हिंसा में प्रमाद परिणति मूल है और विषय सेवन में अभिलाषा मूल। माने वो हिंसा हिंसा कब कहलाई, जब वो प्रमाद हो, माने वो हिंसा में प्रमाद परिणति मूल है, कि भली आप स्थिर बैठे हो, रंच मात्र भी आप हिले नहीं हो, लेकिन फिर भी यदि वो प्रमाद है तो हिंसा हुई या नहीं। और वो मुनिराज जंगल में गमन कर रहे हैं, कदाचित कोई त्रस जीव भी उनके पैर के नीचे आ जाता है तो भी उनको हिंसा है या नहीं, क्यों नहीं? यहां तो हम स्थिर बैठे हुए हैं ना, बिल्कुल चलन फिलन भी कुछ भी नहीं कर रहे हैं, एकदम स्थिर बैठे हुए हैं, एक जीव भी हमारे निमित्त से घात को प्राप्त नहीं हुआ है तो भी कर्मों का बंधन है, और वहां इतने जीवों का घात होता है तो भी कर्मों का बंधन नहीं, क्यों? स्वभाव से अन्य कि अरे जब हम अपने स्वरूप से अनभिज्ञ हैं और वे मुनिराज वो बाहर ये शरीर से अनभिज्ञ, अब इसको अस्थि से लें कि वो अपने स्वरूप में स्थिर है और हमारा उपयोग कहाँ स्थिर है, कि हमारा उपयोग बाहर में स्थिर, कि उपयोग का बाहर होना इसी का नाम प्रमाद है, इसी का नाम हिंसा है, अपने स्वरूप का अनादर होना कुशलेशु अनादरा प्रमाद, प्रमाद की परिभाषा है, कुशल का अनादर होना इसका नाम प्रमाद है। तो अपन लोक में पूछे ना, कुशल मंगल में हो कि नहीं हो, क्यों कुशलता अर्थात अरे वो अतीन्द्रिय सुख होना यही एकमात्र कुशलता है, ये इंद्रिय सुख में कोई कुशलता है क्या? तो जहां कुशलता है उसका अनादर करना इसी का नाम प्रमाद है, तो इंद्रिय सुख के पीछे दौड़ना इसका नाम प्रमाद है, क्योंकि इसमें अपने आत्म स्वरूप की अतीन्द्रिय आनंद का घात होता है, अनादर होता है, ये प्रमाद है।
इंद्री सुखी ली, हम जिसे पुरुषार्थ समझते हैं, इस पुरुषार्थी कौन करे, दिन रात में पुरुषार्थी तो करता हूं कि जिसे हम पुरुषार्थ समझते हैं उसे तो जिनवाणी क्या कह रही है, कि ये तो प्रमाद है। सुबह 5 बजे उठ जाता हूं और सीधे फिर रात को 11 बजे से पहले नहीं सोता हूं, दिन रात लगा रहता हूं, पुरुषार्थ है या प्रमाद है? कुशलेषु अनादरः प्रमाद, कुशल का अनादर करना ये प्रमाद है। अपने अतीन्द्रिय आनंद का घात करना ये प्रमाद है। अपने स्वरूप की ओर दृष्टि नहीं करना ये प्रमाद है। पुरुषार्थी कौन है कि जो हाथों पे हाथ धर के बैठे हुए हैं, अपने उपयोग अपने आत्म स्वरूप में स्थिर है, या तो वे पुरुषार्थी हो सकते हैं, या जो दिन रात हम उठा पटक करने वाले हैं, एक मिनट को भी चैन से नहीं बैठते हैं, क्या बताएं साहब, सांस लेने की फुर्सत नहीं है, तो या तो हम पुरुषार्थी हो सकते हैं, या तो जो हाथ पे हाथ धर के बैठे हुए हैं, जो बाहर कुछ करते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं, या तो वो पुरुषार्थी हो सकते हैं। निर्णय तो करना होगा ना, कौन पुरुषार्थी है? अरे जो अपने हाथ पे हाथ धर के बैठे हुए है वो महापुरुषार्थी है, वो ऐसा पुरुषार्थ है, ऐसा उत्कृष्ट पुरुषार्थ है कि अंतर्मूर्त हो जाए तो केवल ज्ञान प्राप्त हो जाता है। और जिस पुरुषार्थ को हम पुरुषार्थ मानते हैं वो कितना पुरुषार्थ किया जाए तो केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाए। अनादि काल से तो सब पुरुषार्थ करते तो आ रहे हैं, लेकिन उससे केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई कि नहीं, कि उससे तो केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई, तो इसका मतलब पुरुषार्थ था या प्रमाद था। गंभीरता से विचार करने वाली बातें हैं कि अगच्छनस तद विशेषाणाम अनभिज्ञस्य जायते, कि अन्यत्र गमन नहीं करता हुआ वह शरीर के विशेषों से अनभिज्ञ रहता है। माने शरीर में कैसा परिणमन है, क्या परिणमन है, उससे अनभिज्ञ रहते। वो राजा श्रेणिक ने वो गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया, वो आत्मस्वरूप से वो चिगे, वो घर जाकर वो रानी चेलना से बड़े उसमें बोलता है कि अरे अभी तक तो वो चले भी गए होंगे। रानी चेलना ने क्या कहा, सच्चे मुनिराज होंगे तो अपने स्थान से नहीं देखेंगे, अपने स्वरूप में ही स्थिर रहेंगे, अपने स्वरूप से बाहर नहीं जाएंगे। और इसका अर्थ है अगच्छनस तद विशेषाणि, कि शरीर के विशेषों में उनका गमन नहीं होता है, उस शरीर के विशेषों के प्रति अनभिज्ञ रहते हैं, उस शरीर के प्रति क्या परिस्थितियां बनती है उनके प्रति अनभिज्ञ रहते, अपना उपयोग वो उसमें लगाते नहीं। और ऐसा होने से अज्ञात तद विशेषस्तु, कि अज्ञात रहने से अपना उपयोग वहां नहीं लगाने से बद्धेते ना, कि बंधन को प्राप्त नहीं होते हैं, और क्या होता है, विमुच्यते, कि कर्मों से मुक्त होते। देखिए अन्वयार्थ, अन्यत्र नहीं जाता, अन्यत्र प्रवृत्ति नहीं करता योगी, उनके विशेषों को अर्थात देहादि के विशेषों का, सौंदर्य असौंदर्य आदि धर्मों का अनभिज्ञ रहता है, उनसे अनजान रहता है, और सौंदर्य असौंदर्य आदि विशेषों का अनजान होने से वह बद्धता नहीं है अपितु विमुक्त होता है। देखिए टीका पेज क्रमांक 106, स्वात्म तत्व में स्थिर हुआ योगी जब अन्यत्र नहीं जाता, प्रवृत्ति नहीं करता, तब वह स्वात्मा से भिन्न शरीर आदि के विशेषों से अर्थात सौंदर्य असौंदर्य आदि धर्मों से अनभिज्ञ अर्थात अनजान रहता है,
अर्थात उन्हें जानने में अभिमुख उत्सुक नहीं होता और उन विशेषों से वह अज्ञात होने से उसको उनमें राग द्वेष उत्पन्न नहीं होता, इसीलिए वह कर्मों से नहीं बंधता। देखिए क्या लिखा है यहाँ पे कि उसको जानने में अभिमुख अर्थात उत्सुक नहीं होता है। इससे विपरीत जो हमारी स्थिति है कि अभी हमें वो आसक्ति है, लोलुपता है कि वो पंचेंद्रिय के विषयों को मैं जानू, उनको अनुभवू, माने उसमें कुछ करने धरने की जो मान्यता है, जो उत्सुकता है वो हमारे अंदर है। लेकिन जो योगी है कि अब उनको पंचेंद्रिय के विषयों के प्रति उत्सुकता नहीं है, उसको जानने के प्रति उनकी उत्सुकता नहीं है कि विषय सेवन में अभिलाषा मूल है, कि अब उनके चित्त में वो पंचेंद्रिय के विषयों को भोगने की अभिलाषा नहीं है, उत्सुकता नहीं है, और उत्सुकता नहीं है इसलिए अब उनके प्रति राग द्वेष भी खड़े नहीं होते हैं, और राग द्वेष नहीं होता है तो वे बंधन को भी प्राप्त नहीं होते। तो फिर एक प्रश्न खड़ा हो सकता है, तो फिर हम क्या करें? व्यापार करना छोड़ दें, भोजन करना छोड़ दें, क्या चाहते हो, क्या करें हम? कि अरे इन सबके प्रति जो सुख बुद्धि हमारी बैठी हुई है उसको छोड़ने की बात है। जब वो सुख बुद्धि छूट जाएगी तो बाहर की विषय सेवन ये सब टिकने वाले हैं क्या? कि ये तो तुरंत छूटने ही वाले हैं, लेकिन समस्या तो अभी ये है कि अभी उसके प्रति जो उत्सुकता है, जो सुख बुद्धि है, अभी तो वही इतने अंदर तक बैठी हुई है कि अभी उनमें हमें सुख ही दिखाई देता है, लेकिन वास्तव में ये दुख के कारण है। ये बात समझ में आती है क्या? ये भोजन का विकल्प होना, भोजन होना, ये दुख का कारण है, ये बात समझ में आती है क्या? ये रुपए पैसे को इकट्ठा करना ये पाप है, ये दुख का कारण है, ये बात अभी समझ में आती है क्या? शब्दों में बोलना ये अलग बात है, लेकिन वो फीलिंग में आना कि अभी आपको यदि वो गड्डी दी जाए नोटों की तो कैसी अनुभूति होगी, कैसी फीलिंग होगी? कि इसका मतलब कि अभी उस परिग्रह में हमें पाप बुद्धि नहीं है, उस परिग्रह में ये दुख का कारण है ये मान्यता अभी हमारी नहीं है। इसका अर्थ है वो उत्सुकता हो, वो पंचेंद्रिय के विषयों के प्रति उत्सुकता होना, अभिमुख होना, और जो ज्ञानी जन है वो उसके प्रति अभिमुख नहीं होते हैं, उत्सुक नहीं होते हैं, इसलिए वे बंधन से मुक्त होते हैं। और हमारी उत्सुकता अभी वो पंचेंद्रिय के विषयों में है, इसीलिए वो हम निरंतर बंधन को प्राप्त होते हैं। तो कोई गरीब व्यक्ति हो जिसके पास रुपए पैसे ना हो तो वो बंधन को प्राप्त होगा या नहीं? कि उसके पास तो परिग्रह नहीं है ना, तो वे उसको पाप का बंध होगा या नहीं होगा? किसी के पास भोजन नहीं है खाने को तो फिर उसको पाप का बंध होगा या नहीं? कि अरे निरंतर वहां पे बंधन चल रहा है, कि जिस समय भोजन नहीं कर रहा है उस समय भी वो निरंतर बंधन चल रहा है। वो बंध चलने का कारण क्या है? कि वो अंदर उत्सुकता तो है ना, अभिमुखपना तो है ना, बाहर रुपए पैसे नहीं होना ये अलग बात है, लेकिन उस परिग्रह के प्रति उत्सुकता होना, अभिमुख होना, ये तो सदा काल अंदर में चल रहा है ना, तो निरंतर पाप बंध है। अब इसके विपरीत ज्ञानी जन तो उसके प्रति उत्सुकता अभिमुखपना खत्म हो गया है, बाहर में परिग्रह रहे या ना रहे कि मेरा सुख वो बाहर के परिग्रह पे निर्भर नहीं करता है, बाहर वस्तुओं के होने अथवा नहीं होने पर निर्भर
नहीं करता है, तो अंदर जो उनकी उत्सुकता चली गई है, तो जब उत्सुकता चली गई है तो बंधन भी चला गया, वो बंधन का भी अभाव हो गया है। इसी कहते हैं कि ज्ञानियों के जीवन में ज्ञान धारा और कर्म धारा ये दोनों साथ में चलती है, कि जितनी बंधन से मुक्ति है वो ज्ञान धारा कि अंदर में जो कषायों का अभाव हुआ है, अपने स्वरूप में जितनी स्थिरता है ये मुक्ति का कारण है। और उस समय भी जो कदाचित विकल्प आते हैं, वो जो राग आता है वो बंधन का ही कारण है, लेकिन वो बंधन कितना है, उस बंधन में क्या दम है। इसलिए समय सार जी में लिखा कि ज्ञानी के भोग भी निर्जा के कारण है, ये भोग भी निर्जा के कारण हो सकते हैं कि अरे ज्ञानी के भोग निर्जा के कारण है, इसका मतलब ये कहना नहीं है कि तुम भी भोग करो और भोग करते करते निर्जा होगी। वहां पर भी जो ज्ञानी के भोग है वो तो बंधन के ही कारण है, लेकिन उस समय भी उनकी ज्ञान धारा ऐसी है, वो ज्ञान परिणति ऐसी है कि वो सतत बहती रहती है, इसलिए उस समय भी उनको असंख्यात गुणी निजरा होती रहती है। इसलिए लिखा कि ज्ञानी के भोग भी निजरा के कारण, क्योंकि जिस समय उनको भोग है उस समय वो निरंतर भेद ज्ञान की धारा वो उनके चल रही है। वो जो भेद ज्ञान की धारा है, जो कषायों का अभाव होना है, आत्म स्वरूप में स्थिरता है, वह वास्तव में उनको निर्जरा का कारण है। बात ख्याल में आ रही है, तो स्थिति बनी कैसे कि अनभिज्ञ, कि बाहर में जो कुछ होता है उसके प्रति अनभिज्ञ, उसके प्रति उपयोग उनका नहीं है, उपयोग आत्म स्वरूप में स्थिर है, इसलिए वे कर्मों से मुक्त होते हैं। और कर्मों से बनने का कारण क्या, शून्य की महिमा दिखाने के लिए ये कहा है, समय दृष्टि के भोग निर्जरा के कारण। बिल्कुल, समय की महिमा दिखाने को कहा है कि कोई ये मान ले कि वो भोग निर्जरा के कारण हो, आपका नाम लगा दे होता है। चलिए, तो यहाँ पे है जो हमारी 44वें वर्ष के श्लोक की हमारी चर्चा जो है कि ज्ञानी जन अगच्छन अर्थात अन्यत्र गमन नहीं करते हैं, शरीर के विशेषों में गमन नहीं करते हैं, उनसे अनभिज्ञ रहते हैं, इसलिए अनभिज्ञ रहते हुए वे कर्मों से मुक्त होते हैं, और वे जो कर्म है वह नहीं बनते हैं, और जो पूर्वबद्ध कर्म है उनसे मुक्ति को प्राप्त होते हैं। तो ऐसी अवस्था, ये जो हमें प्रेरणा यहाँ पे प्राप्त हो रही है कि जो हमारा उपयोग अनादिकाल से पंचेंद्रिय के विषयों में उलझता आया है, उस उपयोग को पंचेंद्रिय के विषयों से हटाकर अपने आत्म स्वरूप में स्थिर करना, यही हमारा कर्तव्य है। इसको दूसरी तरफ से देखें कि जब हमारा उपयोग आत्म स्वरूप में स्थिर होगा, जब हमारा उपयोग आत्म स्वरूप में स्थिर होता है, तो पंचेंद्रिय के विषयों के प्रति जो रुचि है वो अपने आप कम होती चली जाती। तो हम हमारे करने योग्य कार्य क्या है कि अपने उपयोग को अपने स्वरूप में स्थिर करें। यदि कदाचित उपयोग बाहर भटकता हो तो उसको बुद्धि पूर्वक बल पूर्वक वो अपने स्वरूप में स्थिर करने का प्रयास करें, कि जब अपने स्वरूप में स्थिरता होगी तो हमें सुख की प्राप्ति हो सकती। विचार करें, अविनाशी में आत्म